आगामी त्योहारों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है और उसके बाद भी प्रदेश में उलझी सियासत के बीच में भी अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र के समान राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनर्स को दे महंगाई राहत की दर में 4% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स को 1 जुलाई 2022 से 38% महंगाई भत्ता व महंगाई राहत दर दे होगी। जिस दिन केंद्र सरकार ने ऐलान किया उसी शाम को राजस्थान कर्मचारियों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ऐलान कर दिया है। सरकार के इस ऐलान के बाद राजकोष से 1,096 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर। सर, केंद्र सरकार का डीए बढ़ाने के बाद में अब तुरंत सियासी संकट के बीच में प्रदेश की सरकार ने भी फैसला ले लिया है, इस पर आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पे केंद्र सरकार ने डीए बढ़ाया और उसी दिन राज्य सरकार ने भी डीए बढ़ा दिया। कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशी होती है, परंतु मैं आपको एक चीज बता दूं, जो इस समय सियासी संकट चल रहा है और समीकरण जो उथल पुथल का चल रहा है, उसमें गहलोत साहब ने जो डीए बढ़ाया ये एक सराहनीय कदम है। और मैं समझता हूँ क्योंकि डीए बढ़ाना और राजस्थान सरकार का, केंद्र सरकार जब भी डीए बढ़ाती है हमेशा हमारा समझौता है उससे बढ़ा, परंतु आज जो डीए बढ़ा है ये बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जब गहलोत सरकार के अभी उथल पुथल के दिन है और उसके बावजूद भी अगर इन्होंने जो निर्णय लिया ये सराहनीय निर्णय। जी गणेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।